पिछले 13 सालों से विधायक चुनाव नहीं जीत पाया है और लंबे समय से एक ही दो ही परिवार जहां पर जो है वो राज कर रहे हैं और पिछले 4 वर्षों से सुजान सिंह पठानिया जी जो जहां के विधायक थे पहले वो बीमार होने के कारण लोगों के बीच वो आ नहीं सके क्योंकि सेहत ठीक नहीं थी। जो लोगों की समस्या थी चाहे वो सड़क की समस्या थी जैसे बैठ में जो पानी पीने की समस्या थी या कहीं स्कूल की समस्या थी आईटीआई में कोई उसकी समस्या थी या लोगों के छोटे छोटे को काम थे वो सारे काम रुक गए। जहां फतेहपुर का जो विकास है ये पूरी तरह ठप पड़ गया था क्योंकि जहां पर विधायक के कारण वो काम नहीं कर पा रहे थे और ये विधानसभा एक आवारा विधानसभा बन के रह गए थे, अनाथ होके रह गए थे। विधायक या नहीं आने के कारण या बीमारी के कारण हमें अफसोस नहीं है कि वो नहीं आ पा रहे थे। अफसोस आज अब हुआ जब उनका बेटा यहाँ कांग्रेस का टिकट लेकर अब लोगों के बीच आ रहा है और एक बात बोला कि मुझे एक और मौका दीजिए। आपके परिवार को जहां के लोगों ने लगभग 30-32 वर्षों तक मौका दिया और पिछले 13 साल से लगातार आपके पिताजी यहां के विधायक थे। जब 4 साल पहले जहां के लोगों की पीने की पानी की समस्या थी, सड़क की समस्या थी या जहां नेको समस्या थी लोगों की और 4 करोड़ के लगभग जो विधायक निधि का जो फंड था जो पैसा था वो यहां पर खर्च नहीं हो पाया। अगर आप 4 साल पहले आते लोगों के साथ बैठते और उनसे यहाँ के प्रस्ताव लेते और पिताश्री के साइन करवाकर उन प्रस्तावों को सरकार के बीच भेजते और यहाँ का लोगों का विकास करवाते तो लगता कि आपके मन में दमेटा हड़वाल पहाड़ी पूर्णिया खरियाड़ और साथ के लगते जुड़ोली ब्रुणा के लोगों के आपके मन में एक विकास करवाने की उनकी सेवा करने की चाहत है। लेकिन आप 4 साल तक आपने लोगों को दर्शन नहीं दिए, लोगों को दिखाई। क्या आप इससे पहले बीमारी प्राणी को कभी किसी ने देखा था? देखा भी कभी किसी ने? और 4 साल जब था जहां के लोग तड़प रहे थे विकास के लिए वो कहीं नजर नहीं आया और आज वो बोलता मुझे 1 साल का मौका दीजिए। जब 43 साल में आप 32 साल में कुछ नहीं कर सके तो 1 साल में क्या कर लोगे आप? अगर गलती से भी कहीं जुदा के भेज दिया आप काम करने के लिए उनके पास जाएंगे तो उसके बाद फिर से एक बहाना होगा। मैं क्या करूं, मेरी तो सरकार ही नहीं है, मेरा मुख्यमंत्री नहीं सुनता, मेरा मंत्री नहीं सुनते। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप मुझे 1 वर्ष का मौका दीजिए। 1 वर्ष का, 1 वर्ष को बड़ा समय नहीं है, सिर्फ 1 वर्ष का समय दीजिए। जो पिछले 4 साल के काम जहां नहीं हो पाए हैं मैं 1 साल में बाकी विधानसभा के मुकाबले इस विधानसभा में काम कराने का पूरा प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा कि आज हमारे बीच जहां प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री बैठे हैं, मंच पर मंत्री बैठे हैं, हम मैं इनके पांव पकड़ लूंगा, फतेहपुर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। और मैं सिर्फ 1 वर्ष का, 1 वर्ष का मुझे सेवा करने का मौका देंगे आप? जो से बोले 1 वर्ष का समय देंगे आप? सब 30 तारीख को कमल के फूल का 12 बटन दबाकर मुझे अपना आशीर्वाद दें और मैं आपकी सेवा में मैं कोई कमी आने नहीं दूंगा। आप सब ने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अभी आपने भारतीय जनता का पार्टी के प्रत्याशी श्री बलदेव ठाकुर जी के विचारों को सुना, जिस तरीके से इन्होंने हर बात को गहराई से बताया है, मुझे लगता है कि आप सब उनको आशीर्वाद देने के लिए उतावले हैं और 30 तारीख को जरूर आशीर्वाद देंगे। मैं अब वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए और अपने विचार रखें। राकेश पठानिया, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी, कैबिनेट मिनिस्टर बहन सरवीन चौधरी जी, फतेहपुर के 2 तारीख को आने वाले विधायक बलदेव ठाकुर जी,
हमारे कांगड़ा चंबा के लोकप्रिय सांसद भाई किशन कपूर जी, प्रदेश में विधानसभा के मुख्य सचेतक बड़े भाई विक्रम दलियाल जी, बहुत ही हिमाचल विधानसभा के जुझारू विधायक जिन्होंने बाली की छुट्टी कर दी, ऐसा सुग्रीव कुका मेरा छोटा भाई मिगरोटा का विधायक, सम्मानित मंच।